किसी को नहीं दे रहा हूँ और इतना ज़्यादा ये सब चीज़ें टॉक्सिक जो भी फैला रहे ना ये सब चीज़ें मेरे प्रोफाइल पे आके बर्थडे वाले दिन तो मैं देखा तो ये एल्विन के साथ साथ एक एक छुट्टी उन लोग को भी पहनाना चाहिए। एक और बात दिखाई साइड पे ये किसके लिए? ये एल्विन यादव के लिए। और जो आके हेट फैला रहे हैं, जो गालियाँ दे रहे हैं, जिन लोगों को काम नहीं है, बेरोजगार लोग हैं, जो काम धंधा नहीं है, ये उन लोगों के लिए। बोलना नहीं है, छुड़ी लाया हूँ। ठीक है भाई, अरे अरे विवादों में बातों। ये जो स्टैंड आउट करने के लिए इसने हमें ब्लैक में बुलवाया है। थैंक यू सो मच मीन्स। ये साइड भी यूजुअल है। कम हाँ इधर आ जाओ। और मेरा अर्ली मॉर्निंग शूट है वो भी दुबई में, 5 घंटे में एयरपोर्ट पे जाना है। एंड स्टिल आई एम हियर फॉर। थैंक यू सो मच। अनान का बर्थडे कैसे है? अनान के लिए क्या गिफ्ट लेकर? अरे खुद आ गए 5 फुट 8 इंच की खुद आकांक्षा पूरी आई है। इससे बड़ी आकांक्षा पूरी आई है। मुझे तो कुछ नहीं दिया अदनान ने तो। और वैसे आज इनका बर्थडे तो मेरा देना बनता है, तो अदनान क्या गिफ्ट चाहिए आप? कुछ नहीं, तुम जो आप मांगो। थैंक यू सो मच, आप आए बर्थडे में, यही गिफ्ट है। अदनान का कोई भी स्पेशल ओकेजन हो और मैं ना आऊँ तो ऐसा तो नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच। हाँ जी, सबसे पहले इनका जन्मदिन है जी, क्या कुछ कहना चाहो, किस तरह की आपकी यादें रहती हैं इनके साथ और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है? बेस्ट पार्ट ये है कि उन कुछ लोगों में से एक है अदनान, जो एक कॉल पे मुझे पता है मैं एक फ़ोन लगाऊंगी तो उठाएंगे और जहाँ भी मैं बोलूंगी वहाँ आ जाएंगे। तो हमेशा मेरे भी कोई स्पेशल ओकेजन हो, भले मेरी कोई अपकमिंग मूवी हो, सॉन्ग हो, कुछ भी हो, अदनान हमेशा रहते हैं या उनकी बेस्ट विशेज होती है, और उनका कुछ भी होता है तो मेरा रहता है। तो बिल्कुल, तो मैं चाहूँगी आगे भी कुछ भी हो हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट अदनान, ऐसे हजारों लाखों बंदे आप बनाओ। इतना नहीं जी। आकांक्षा, मेरा एक सवाल रहेगा। आज डैड इविक्ट हुए और उनके काफ़ी सारे इंटरव्यूज हुए, बट मेरे इंटरव्यू में पर्सनली उन्होंने कहा कि यू आर नॉट अ बैड किसर, यू आर अ वेरी गुड किसर। एंड उसके बाद काफ़ी सारे और काफ़ी रिग्रेट थे उस मूवमेंट को लेके। उन्होंने माफी मांगी, मैंने भी सवाल उनसे पूछा था और माफी मांगी उन्होंने आपसे। ओके, बैड किसर उन्होंने कहा था ना, उसको लेके। फिलहाल तो मैं अदनान के साथ खड़ी हूँ तो मैं उसके बर्थडे पे फोकस करना चाहूँगी। एंड इसका जवाब डेफिनेटली मैं देना चाहती हूँ, और मैंने वो सारे क्लिप्स भी देखे, आपकी आवाज़ भी सुनी मैंने, सबसे पहले आपने क्वेश्चन पूछा था। तो थैंक्स टू जद, थैंक यू जे कि आपने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया और बोला, क्योंकि अभी तक इस सवालों को मैं अकेले ही फेस कर रही थी। एंड अब फाइनली उन्होंने भी मेरा साथ दिया और उन्होंने बात बोली, अपॉलोजी दी, मैं उनकी अपॉलोजी एक्सेप्ट करती हूँ। एंड थैंक यू सो मच कि इतने ऑनेस्टली और मच्योरली उन्होंने इस बात को हैंडल किया। और मुझे ये वही समझदार जद दिख रहे हैं जो मुझे पहले 3-4 दिन दिखे थे, फिर कहीं गायब हो गए थे। तो अगर यही वो जद हैं जो मुझे इन इंटरव्यूज़ में दिख रहे हैं और पहले 3-4 दिन दिखे थे, तो मैं भी आपसे मिलना चाहूँगी। जद, कॉल मी। क्या बात है ऐसे
मुझे पिक करने वाला था, सोचो. थैंक यू फॉर नॉट पिकिंग मी आमिर. हाँ जी, इन्होंने अभी जो जिस तरह हम देख रहे थे छुरी गिफ्ट की, और आपसे भी मैंने कुछ समय पहले एक सवाल पूछा था, आपने कहा कि सिस्टम मिल गया है जी. तो आप इस पे क्या रिएक्ट करोगे, क्योंकि इन्होंने पिछली जो वीडियो आकांक्षा को वो चीज मालूम ही नहीं है कि क्या हुआ है क्या. एक्चुअली मुझे नहीं मालूम, मैं बिग बॉस भी इतना फॉलो नहीं कर रही. आज ये इंटरव्यूज मुझे इसलिए पता है कि वो सारी क्लिप्स मेरे पास भी आ रही थी, सब मुझे टैग कर रहे थे, एंड दैट्स हाउ आई नो. अदरवाइज मुझे ये इंसिडेंट नहीं पता छुरी वाला. तब से पूछे सो आपको फैंस बचाने वाले. थैंक यू गाइस. मैंने बोला मैंने सुनी आपकी आवाज उस क्लिप में. सो जस्ट कॉल मी एंड मैं ये पर्सनली सुनना चाहूंगी, एंड इफ दिस इज द रियल यू देन अभी 5 घंटे में आपकी फ्लाइट है और उनकी भी फ्लाइट 5 घंटे में ही है. क्या हम सेम फ्लाइट पे तो नहीं मिल जाएंगे? और वो भी दुबई जा रहे हो, आप भी दुबई? मैं भी दुबई जा रही हूँ, मैं फिनाले के लिए वापस आऊंगी. वो भी फिनाले के लिए वापस आएगी. ओके, प्लानिंग. टच में भी नहीं हूँ, मेरे पास उनका नंबर भी नहीं है, उनके पास भी नहीं है, हम लोग कोई किसी के टच में नहीं है. मैं सॉन्ग शूट करने जा रही हूँ, आप लोग मेरी BTS देखोगे 2 दिन तक, और 4 इवेंट्स हैं जिसकी भी पोस्टिंग देखोगे. तो मैं काम से जा रही हूँ गाइज. अच्छा है ना, काम मिल रहा है, मिलने दो यार. अच्छी बात है ये सब तो हो जाएगा जब होना होगा. सो प्लीज गाइज, लेट्स नॉट स्प्रेड फेक न्यूज एंड फेक रूमर्स. जो जब होगा मैं आप लोग के सामने बता ही दूंगी. असली न्यूज यहाँ है, अदनान का हैप्पी बर्थडे है, एंड वी आर हियर फॉर दैट. फ्लाइट में कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा ना? छोटू इसको लेके चलो साइड में. एमिरेट्स, बट ऑब्वियस एमिरेट्स ही जाएगी वहाँ पे. चलो ठीक है. पहले तो गॉड ब्लेस हिम विद लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस एंड सक्सेस. और पिछले 4 साल से मैं हर एक बर्थडे अदनान का अटेंड कर रहा हूँ, और सीइंग हिम ग्रो एट दिस पॉइंट मतलब बहुत अच्छा फील होता है. मैं तो दुआ करूँगा कि अल्लाह उसको और तरक्कियों पे लेके जाए, और वो ऐसे ही ग्रो करते रहे और नए नए बिजनेस उसके आते जाए, और अदनान हमेशा खुश रहे. भाई अभी हाल ही में आप लोगों के लिए तो रिटर्न गिफ्ट नहीं था, बट एल्विश के लिए रिटर्न गिफ्ट चूड़ी लेके आए. तो कौन लेके आया? अदनान भाई ने. ओके, तो आप इस पर किस तरह रिएक्ट करो? ये जो जो बोलते हैं ना ओल्ड रिवेंज होता है, वो आ रही थी बाहर, ऐसा लग रहा था. मैंने जैसा लास्ट टाइम एक इंटरव्यू हुआ था मेरा यहीं पे, आई गेस बैरल एंड को में हुआ था, तो वेर आई सेड कि मेरे को एल्विश का गेम पसंद है अंदर, व्हाट ही इज प्लेइंग, बट फुकरा इंसान पहले दिन से. सो मैं एल्विश फुकरा दोनों के लिए कर रहा था. जब तक आकांक्षा थे, मैं आकांक्षा के लिए आई वॉज देयर कि आकांक्षा के लिए अपन आकांक्षा को पुश कर रहे ये कर रहे, बट आकांक्षा आ गए बाहर, फिर उसके बाद मेरे को फुकरा इंसान का गेम अच्छा लग रहा था. और एल्विश जब अंदर गया तो वो बोलते हैं ना कि अभी इसको ना मैं एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम एक क्लिप वायरल हुई, पूरी वीडियो वायरल नहीं हुई, तो लोगों को एक अलग वे जाता है. मैंने बोला मेरे को उसका गेम पसंद है अंदर जो खेल रहा है, ये नहीं बोला कि बाहर मेरे को पसंद है. मैंने बोला जो दुश्मनी है बाहर का बाहर देख लेंगे, जो रोस्ट और ट्रोल्स ये सारी चीज़ें चलती थी. अब दूसरी चीज़, अब एल्विश अंदर है, उसके फैंस सलमान भाई के लिए बोल रहे, अब मतलब एक लेजेंड है उसके लिए बोल रहे कि उसको अनफॉलो कर दिया. सलमान भाई हर साल बिना पार्शल हुए लोगों को बोलते और समझाते हैं, वो उनको कुछ मिल रहा नहीं है उधर से, बट फॉर देयर बेटरमेंट एंड कि वो अच्छा दिखे स्क्रीन पे, इसके लिए सलमान भाई उनको बोलते हैं. तो जब ये बाहर चल रहा था ना कि सलमान भाई के लिए ऐसा वैसा, तो मेरे को भी पर्सनली बहुत बुरा लगा कि वो एल्विश के फैंस ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, जो कि गलत है. एल्विश अंदर उनको भाई बोल के बुला रहा है, इज्जत दे रहा है, तो तुम्हारा भी फ़र्ज़ बनता है, तुम भी उनको बाहर इज्जत दो. दुनिया इज्जत देती है, तुमको भी देना पड़ेगा. ये चीज एक पॉइंट आपका मैं ऐड करना चाहूंगा कि जिस तरह ये जो ओल्ड राइवलरी होती है ना, जो ओल्ड राइवलरी लग रही है, आपकी भी एक ओल्ड राइवलरी. हाँ, है, वो तो है. कैरी मिनाटी से इन फ्यूचर, कैरी मिनाटी अगर बिग बॉस जाते हैं तो आप भी इसी तरह रिएक्ट करोगे या किस तरह रिएक्ट करते? नहीं, अगर वो बिग बॉस में जाएंगे तो उन लोग बट ऑब्वियस मेरे को भी बुलाएंगे, और जब मेरे को बुलाएंगे तो अभी जैसे आशिका और एल्विश की भी कॉन्ट्रोवर्सी थी, बट आशिका ने जाके ऐसा, हाय एल्विश हाउ आर यू,
ये मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ, जो रहेगा सामने सामने रहेगा। हाँ, पहले वो डिस्कस करेंगे, नहीं तो पहले वो डिस्कस करेंगे कि वो रोस्ट ट्रोल और वो सारी चीज़ें, वो बात का बाद में देखेंगे कि वो नेचर उसका रियल लाइफ में कैसा है। आमने सामने रहने पे इंसान समझ में आता है, तो उसको समझ में आएगा कि आमिर सिद्दीकी कैसा है, मेरे को समझ में आएगा कैरी मिनटी कैसा है, फिर दोस्ती होगी। डायरेक्ट जाके मैं हाथ नहीं मिलाने वाला, ये तो मेरा है। अभी जैसा अदनान ने एल्विश के लिए स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे, तो क्या आप उससे सहमत हो? अब अदनान मेरा भाई है भाई, मैं तो सहमत हूँ। मतलब वो जो पहली राइवलरी थी ना, वो चीज़ के लिए मैं सहमत हूँ, बट मेरे को किधर ना किधर है ना अभी ये चीज़ तुमको मालूम नहीं है क्या हुआ है, इन शॉर्ट बता दे रहा हूँ। तो मैंने अपना ओपिनियन शेयर किया था कि मुझे, मैं फुकरा इंसान और मनीषा रानी, हाँ तुम सपोर्ट कर रहे हो, मैं सपोर्ट करता हूँ, पर मैं एल्विश को नहीं सपोर्ट करता। उसके पीछे एक मैंने रीज़न दिया कि जो भी है, भाई के बारे में उल्टा सीधा बोलना, भाई के फैंस को उल्टा सीधा बोलना, अब शो पे आके भाई को भाई भाई करना। भाई वो सलमान खान है भाई, और मैंने भी एक क्लिप देखा था वेयर एल्विश सेड कि जो ये एक्टर की मूवी लोग देखने जाते हैं जिनका हाथ नहीं होता है, पैर नहीं होता है, ये नहीं होता है। तो ये भी चीज़ मेरे को खटकी कि पुराने टाइम पे यू सेड दिस और अभी तुम भाई भाई कर रहे हो। अगर मैं रहता, अगर मैं ऐसा उल्टा सीधा बोलता तो मैं सामने ही बोलता कि भाई मैंने तुम्हारे लिए मूवी के लिए ये बोला था, एंड आई इवन अपोलोजाइज फॉर इट। ऐसा तो ये होता है कि रियल आदमी है कि मैं इधर सामने बोल रहा हूँ। अभी एल्विश के लिए लास्ट टाइम मैंने क्या बोला बाइट में, जो हमारी दुश्मनी हम लोग बाहर का बाहर देख लेंगे, और जो अभी तेरा गेम है वो मेरे को पसंद आया तो मैं ऐसा, बट मैंने क्या बोला, जो दुश्मनी है वो देख लेंगे ऐसा। तो दिस इज रियल मी, जो मेरा है अंदर का। अदनान ने वैसा पर्सनालिटी दिखाया, उसको जो रियल में लगा, ही कांट हियर एनीथिंग अबाउट सलमान भाई, तो उसने वो चीज़ किया और वो एक तरीके से अपनी जगह पे सही है, वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, पॉइंट ऑफ यस 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 यू आर गोइंग बट यू हैव टू गिव अस सम टाइम एज वेल गाइस। ये देखो आकांक्षा पूरी अपने दोस्तों को टाइम नहीं देते हुए और इनको खाई और ये जा रहे हैं, तो ये चीज़ें भी गलत होती है, दोस्तों को टाइम देना चाहिए, मैं इनको ये बोल रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू। पहले बहुत सारी शुभकामनाएं मेरे भाई को, और अल्लाह ऐसे ही कामयाबी अता करे और उरूज पे पहुँचे मेरा भाई। ओके, किस तरह से सेलिब्रेशन की आज घर पे, क्योंकि वो काफ़ी क्लोज है मम्मी पापा से, तो पापा को क्या 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 किया? आज ऐसा हुआ कि 12 बजे से पहले एक कट करे हम लोग ने जल्दी से केक, और लंच पे भी हम लोग साथ में सब गए, फैमिली साथ में लंच पे गई, और बहुत अच्छा था। मतलब आज का दिन बहुत स्पेशल था क्योंकि भाई का बर्थडे है। तो लॉट ऑफ फैंस वेटिंग योर न्यू सॉन्ग, कब आ रहा है कुछ अगर आप बता सकें? तो अभी मैं बता देता हूँ, बट 30 तारीख को मैं सोच रहा हूँ एक गाना डालने को। मैंने अभी तक ये कहीं भी पोस्ट नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। 30 तारीख को एक गाना सोच रहा हूँ मैं डालने को, और हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे, बट कोशिश मैं कर रहा हूँ 30 तारीख को एक गाना डालने का। अंडरग्राउंड एंड अंडरग्राउंड, यस सर। मेरे को लगा केक रखा रहेगा इधर, केक ही नहीं है। माइक वाला केक ही करके क्या बोलते पब्लिक? पब्लिक भाई का बर्थडे आज अचानक है, फुल तेरा नाम याद नहीं है, बिजी हूँ भाई, तेरे काम काज नहीं है, तेरे को तेरा इस काम याद नहीं है, इसलिए तो छोटे तू कामयाब नहीं है। अब देखना तू कितना कमाता है, जितना कमाता सब फट से उड़ाता है, बात तो चुभेगी फूल नहीं काटा है, आड़े में आता तो धूल नहीं चाटा है, खुद को नहीं समझा मेरे को समझाता है, भूला या नहीं किसने फिर भी तू आता है, तेरे को क्या है, तेरा क्या जाता है, मेरा मैं जानता हूँ तेरा तू जानता है, हिप हॉप ना किसी के बाप का नहीं है, लेकिन दूसरे का स्टाइल तो जापता सही है, भाई तेरा हक से ट्रैक पे मचाता है, पैसा और फेम छोटे आता है जाता है, हर छोड़ी छोड़े अपने माल बस्ती है, अपन दिखे तो पहले खुद को चेक करती है, बाल ठीक है, अरे ट्यूल को संभाल छोड़ी, जानती तू मेरे को ना फेंक तेरा जाल हड़ी, तू उसे का देखती है जाके मिलना, बहुत माल है अपने पास, बेबी चिल्ला कर देंगे खिलना, जास्ती मत हिलना, हथेली पे आके सीधा रख दूंगा दिल ना। क्या बात है, थैंक यू सो मच अदनान भाई, अरे गिर गया था और बहुत ज्यादा भाई ने जो रैप गाए एकदम सिचुएशन पे जा रहे कि नहीं जा रहे ना, जा रहे ना, शॉर्ट डे गाया बोलने के लिए आए हैं। ठीक है, थैंक यू। देखो इतनी सारी विशेष लोगों भाई, हाँ सबसे पहले तो शादी कर ले अदनान, तेरी उम्र हो गई है, मुझसे भी एक साल बड़ा है, और अल्लाह का एहसान है, देखो आज हम लोग कहाँ है, और इंशाल्लाह अल्लाह और आगे लेके जाएगा, और मेरे भाई को भी इंशाल्लाह, जो कि बहुत आगे है, और हैप्पी बर्थडे ब्रो,
कहाँ शादी करने वाले हो? अरे लोग बोल रहे करने के लिए। जल्दी कर ले, फिर उसके बाद इसकी बार ऐसा कुछ नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगी सब के लिए। फैसल तो बहुत छुपा है, बहुत छुपा है। एक साथ छह सात शादी कर रहा हूँ, इतना ज्यादा मत। क्या बोलना चाहेंगे आप? तो भाई अभी तो मुझे टाइम है और बहुत काम करना बचा है, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी बहुत सारा काम करने के बाद में शादी की प्लानिंग होगी। आप सभी को मैं बुलाऊंगा और इंशाल्लाह धूमधाम से शादी करेंगे। अदनान के लिए बस एक साल और इंशाल्लाह, और एक डेढ़ साल में अदनान, फिर अदनान के बाद में हम लोगों का नंबर है इंशाल्लाह। अगर अल्लाह ने चाहा तो जल्दी हो जाएगा, और पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरा ट्राई कर रहे हैं और करेंगे इंशाल्लाह। बहुत धमाल एंट्री होगी। तो आज अदनान एक रिटर्न गिफ्ट दिया है, एलविश यादव को चूड़ी गिफ्ट की है, आप किस तरह से रिएक्ट करने वाले हो इस पे? क्योंकि उनका कहना है काफी सारे वीडियोस उन्होंने बनाए, इसको पता ही नहीं है वो चीज के बारे में, और ना तो मुझे कोई चूड़ी देखा हो मैंने अभी तक। आपके बेस्ट फ्रेंड ने गिफ्ट किया एलविश यादव को चूड़ी, तो आप किस तरह रिएक्ट करें? आपकी बात होने वाली है इस पे कि क्यों आपने चूड़ी गिफ्ट की है एज ए रिटर्न गिफ्ट? आपने पूरी कोशिश की है, पहले कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन के लिए आपने पूरी कोशिश किया है, बट मैं इसका कोई जवाब नहीं दे सकता क्योंकि मैंने ना वो कोई चूड़ी देखा है और ना मुझे आपका कुछ सवाल समझ में आ रहा है। बट खैर, अच्छा लगा गाइस, अदनान हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। तू मेरी जान, आगे बढ़ और इंशाल्लाह तोड़ दे सब कुछ, सारे बैरियर्स तोड़ दे, और अदनान की पहले मूवी आएगी इंशाल्लाह। ऐसा नहीं है, इस बार भाई की आएगी। आपका नाम काफी आ रहा है भाई, मेरे को पिछले 4 साल से आ रहा है और मैं पिछले 4 साल से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, क्योंकि मैं भी है ना बहुत प्राइवेट पर्सन हूँ। मैं पूरी कोशिश करता हूँ अपनी चीज़ें अपने तक रखूँ, और मैं ट्राई करूँगा जिस दिन मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ मैं पब्लिकली फेस कर सकता हूँ, इतने सारे कैमराज और एक घर में रह सकता हूँ, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस दिन मैं जाऊँ। आपने लास्ट ईयर प्रॉमिस किया था अपने फैंस को कि मैं, भाई मैं प्रॉमिस हर साल अपने फैंस लोग को करता हूँ कि मैं अगले साल ट्राई करूँगा इंशाल्लाह, मैं फिर कोशिश करूँगा और जाने की पूरी कोशिश करूँगा, अंदर रह के दिखाऊँगा। देखो बता दूंगा तो कैसा है ना, टोक लग जाती है हम लोग में। देखो मैं आपको बुलाऊंगा पक्का इंशाल्लाह। ये बहुत अच्छा सवाल है, मुझे अब तक का सबसे अच्छा सवाल लगा। तो गाइस मैं ये खतरों के खिलाड़ी में जो गया था इस बार एज अ चैलेंजर गया था, जो वहाँ के कंटेस्टेंट थे, मैं उन्हें एक बार सेट कर रहा था टाइम का और उन लोग उसको बीट करते थे। तो आप लोग देखना है एपिसोड, भाई लोग तुम लोग भी देखना, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है और बहुत फन है, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगी। और मैं थैंक यू कहूँगा रोहित सर को और कलर्स टीम को कि आप लोगों ने इस काबिल समझा के लास्ट कंटेस्टेंट में से मुझे बुलाया और इस काबिल समझा के मैंने वो करके भी दिखाया। कौन आपको स्ट्रांग लगा था? कौन स्ट्रॉन्ग लगा था? मुझे स्ट्रॉन्ग तो मैं जब गया वहाँ पे तो मैं सिर्फ जो 5 कंटेस्टेंट थे जिनका उस दिन स्टंट था उनके साथ में मैं बीट कर रहा था, तो उन लोगों का स्टंट देखा मैंने, वो बहुत अच्छा कर रहे थे। और बाकी बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि डीनो बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। खैर मैंने उसका स्टंट भी देखा, उसने बहुत अच्छा किया। डीनो है, अरिजीत है और शिव भी है अपना भाई, उसका ध्यान थोड़ा सही नहीं है मगर उसका ध्यान सही हो जाएगा। मगर वो अच्छा है बहुत। गाइज अभी अदनान का बर्थडे है तो अब अदनान के बर्थडे के बारे में बात करते हैं। उसकी बात हाँ, अरिजीत भी बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है और डीनो भी बहुत अच्छा खेल रहा है, बाकी मैं किसी का बोल नहीं सकता, और शिव भी अपना भाई है यार, बट खैर देखते हैं। अभी अभी आगे बात करते हैं, सब जीतेंगे सब। ये सबसे अच्छा जब हंसते हैं सुबह जल्दी उठने लगेगा, ऐसी गाना आ गया समझो, तो दोपहर में शूट कर देंगे। ये देखो हंसने दे दिया, अभी इस पे एक मीम बनेगा। अच्छा है। Hi guys, so congratulations first of all Adnan for your career and many many happy returns of the day. I'm so happy to came here. और आप खुश रहो, आबाद रहो और आपको ढेर सारा काम मिले, and that is my wish for you. दान भाई का बर्थडे है और यही बधाई देना चाहूँगा कि बस ऐसी काम करते रहे और ऐसी फोकस करे, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये जो भी कर रहा है और इसको देख के मुझे मोटिवेशन आता है बहुत ज़्यादा।
अगर बात करूँ मैं फिटनेस की, तो आप लोग एक टाइम जब स्टार्टिंग जर्नी में आप लोग मतलब अगर पहचाने अभी आप लोग आइडेंटिफाई नहीं होते इतने अच्छे आप लोगों ने फिटनेस के लिए? नहीं, मैं फिटनेस बोलूँ तो मैं अदनान को देख के फिटनेस मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि वो टाइम पे अदनान की बॉडी बहुत अच्छी थी। और ये जब हम लोग फेसबुक पे थे, ये फेसबुक पे पोस्ट करता था बॉडी की, बेयर बॉडी स्टैंडो में, तो मैं इसको देख के फिर मैं भी मतलब घर के बाजू में जिम मैं भी ज्वाइन किया। और फिर मैं आज मुझसे काफ़ी अच्छी पर्सनालिटी है, मुझसे काफ़ी अच्छा वर्कआउट कर लेता है। थैंक यू सो मच, मगर तुमको ही देख के मैं सीखा हूँ। आप क्या कहते हैं भाई, भाई ने इतने अच्छे शब्द आप लिखे, आप क्या कहते हैं? भाई है मेरा और हमेशा रहेगा इंशाल्लाह, और बस कुछ नहीं, बहुत टाइम से साथ है, एक डेकेड हो गए अप्रॉक्सीमेटली, अराउंड 10 साल के आसपास होने वाले तो हम लोग की दोस्ती को, और हम लोग ने कहाँ से स्टार्ट किए थे आज भी इस मुकाम पे है, तो हर हाल को हर मोमेंट को हम लोग जीते, और हर हाल में हम लोग शुक्र करते हैं अल्लाह का, और यही दुआ करूंगा कि हम लोग की दोस्ती ऐसी रहे, सलामत रहे और एक दूसरे को देख के मोटिवेट हो। यस यस। लेकिन जब आपने मोमेंट की बात की, कोई ऐसा भाई का मोमेंट याद आ रहा है जो एकदम भाई के बर्थडे में जैसा कभी मस्ती की हो? बहुत मस्ती की है, बहुत ज़्यादा मस्ती की है, अभी तो कम थोड़ा कम कर रहे हैं मस्ती नहीं तो मस्ती तो बहुत की हम लोग। मगर अभी वो मोमेंट नहीं कर सकते, वो था ना एग फोड़ना और थोड़ा टेप बांध देना, अभी नहीं करते वैसा अभी, मगर वो सब बहुत अच्छा होता था, बहुत अच्छे से होता था, और भी है बहुत कुछ नहीं बता सकते। बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और मैं दुआ करूँगा कि हमेशा यही स्पीड में रहे, और जो भी गोल है वो सब पूरा हो इंशाल्लाह। थैंक यू। नान को मेरे भाई को शुभकामना यही देना चाहूँगा कि मेरा भाई आज 28-29 साल का हो गया है, सो 07 फिटनेस जिम भी खोला है, जो मुझसे बहुत मुझे फिटनेस से बहुत प्यार है। सो मेरा भाई हमेशा सक्सेस रहे, हेल्थी रहे, फिट रहे, हमेशा जैसा अभी तक काम करते आया काम करे और नाम करे जैसा अभी तक करते आया, हमेशा सक्सेस हो, बस ये दुआ है मेरी इसके लिए, मेरे भाई के लिए, हम सब के लिए, जितने भी हमारा ग्रुप है, जितने भी इन्फ्लुएंसर है, इंशाल्लाह इन्फ्लुएंसर की दुनिया से अलग जाना है, स्टार बनना है लोगों को, सबको मेहनत करके। अदनान का बर्थडे है और हमारा आना बेशक ऑब्वियसली था, बिकॉज अदनान मुझे याद है जब से स्ट्रगल कर रहा है लाइफ में, मुझे एक बार यहाँ पर किसी कॉफ़ी शॉप में मिले थे और वहाँ पर वो वॉशरूम के लिए आए थे और उन्होंने कहा था कि मेरा बर्थडे है आप चलोगे क्या, और उस वक्त मैं बिज़ी था और मैं नहीं आ पाया था, बट उन्होंने हमेशा डे वन से लेके आज तक बहुत रिस्पेक्टफुली बात की है, और जितना भी उन्हें तरक्की मिली है अल्हम्दुलिल्लाह और मिले बहुत अच्छी तरीके से रिस्पेक्टफुली हमेशा से रहे। सो या तो उनका बर्थडे तो आना ज़रूरी है। फैजल, एल्विश का गेम कैसा लग रहा है? मैंने अभी जस्ट सवाल पूछा था, एल्विश जो सिस्टम हिल रहा है काफ़ी ज़्यादा, आप अगर कुछ इस पर रिएक्ट करोगे, सिस्टम किस तरह से देख रहे हो आप? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत टाइम से बिग बॉस नहीं देख पा रहा, बिकॉज मैं शिफ्टिंग में बिजी था अपने घर की, मैंने कुछ पोस्ट भी की था उसके बारे में। एल्विश का गेम जब से मुझे पता चला कि वो एंटर किया है, मुझे लगा कि अब मज़ा आएगा बिग बॉस में, बिकॉज पुनीत सुपरस्टार को आई गेस निकाल दिया था स्टार्ट में, और मैंने वो एपिसोड देखा था, बट मुझे रीज़न थोड़ा सा वैलिड नहीं लगा, बिकॉज बहुत कम आवर्स में वो निकल गए, उसके बाद एक्सपेक्टेड था कि वो आएंगे, बट उसके बाद एल्विश आया तो आई गेस वो कमी लगता है कि एल्विश पहले वाइल्ड कार्ड एंट्री जो बिग बॉस की थी उसमें आज तक वाइल्ड कार्ड एंट्री कोई जीता नहीं है, एल्विश यादव पहले वाइल्ड कार्ड एंट्री बनेंगे जो जीतने वाले? मुझे ऐसा लगता है जितने मैंने रियलिटी शोज किए हैं और जितना मेरा एक्सपीरियंस है, वाइल्ड कार्ड हमेशा से ये स्टीरियोटाइप चला है कि जीतता नहीं है, बट सच में इस बार फीलिंग आ रही है कि एल्विश जीत जाएगा। अभी मैंने रिसेंटली ट्वीट भी किया था कि अभिषेक या तो फिर एल्विश में से कोई जीतेगा, अब देखते हैं क्या होता है। बट फैजल, यू नो अदनान ने अपने बर्थडे के रिटर्न गिफ्ट में एल्विश को चूड़ियां दिए हैं, अभी रीसेंट, अभी जस्ट, सीरियसली देखो देखो वहां पे आप देख सकते हो लाल चूड़ियां, लाल चूड़ियां, सर ही इज लाइक कि वो जिस तरह लड़कियों से लड़ रहे हैं, हमें हमने तो नहीं देखा कि वो लड़कियों से लड़ रहे हैं, बट उनका कहना है कि वो लड़कियों से लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा है कि उनका पुराना रिवेंज है कुछ करके रोस्ट कर रहे हैं। सी इनका जो हिस्ट्री है उसमें मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पता है, बट अब अदनान भी मेरा दोस्त है, एल्विश जिनको मैं जानता नहीं हूँ, बट शायद आगे शायद दोस्ती हो जाए या पता नहीं, बट उसके अलावा अगर उन्होंने चूड़ियाँ दी है तो भाई उनका डिसीजन है, वो उनकी बॉन्डिंग होगी उनके साथ जो भी पास्ट में उनका हुआ होगा अदनान का और एल्विश का, और जितना मैंने देखा है कि अदनान जब भी ऐसी कोई चीज़ें होती है वो आती है, एक फेज़ आता है और फिर निकल जाता है, तो आई होप कि ये नफरत से ज़्यादा मुझे लगता है शायद प्यार हो जाए तो अच्छा है दुनिया में। लास्ट क्वेश्चन फैजल, इस बार बिग बॉस 17 में क्या आप नज़र आ सकते हैं?
आपको क्या लग रहा है मैं अभी तक कुछ कर क्यों नहीं रहा हूँ? Because I don't know. Let's see. I'm just hoping for the best. मुझे बस ये हवा नहीं करनी क्योंकि मैं अपने मम्मी को भी तब तक चीज़ें नहीं बताता जब तक मैं उस शूट पर नहीं चला जाता. But because, आपने yeah. तीन साल पहले मुझे याद है आपने कहा था कि नेक्स्ट ईयर जाऊँगा फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर जाऊँगा. ये साल कन्फर्म है. एक हंसी दे दीजिए हम कन्फर्म समझ लेंगे. देखो मैं अपनी तरफ से प्रिपरेशन कर रहा हूँ. सर बस इतना बोल सकते हैं. शो कर रहे थे जी. हाँ मैं शो कर रहा था. इस बार नहीं कर रहा हूँ इसीलिए तो कहा. ओके थैंक यू. अगर अगर गलती से चला गया मैं तो आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत होगी. सो प्लीज़ करना.